हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साधना विजय ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारे घर एक नया सदस्य आया है, तो उस सदस्य के का स्वागत हमने कैसे किया, कैसे करने वाले हैं, चलिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और कौन है वो सदस्य, क्या है, चलिए मैं आगे इसके इस वीडियो में आपको आगे देखेंगे। तो चलिए चलते हैं और उसका स्वागत करते हैं। तो आप भी मेरे साथ चलिए और आप भी मेरे खुशियों में शामिल होइए, क्योंकि आप लोग भी एक मेरी फैमिली हो, तो आप लोग को भी तो मेरी खुशियों में शामिल होने का हक बनता है, तो इसलिए चलिए चलते हैं। के स्वागत के लिए हमने तैयारी कर ली है, दी है पूजा की थाली और चलिए चलते हैं। चलो मेलन मेलन, चलो बुला लो सबको। हाँ नहीं लग रहा है। पापा बंद कर दो, बहुत रोशनी हो रही है। फिर यहाँ हम लोग सभी लोग, मेरे बच्चे, मैं, मेरे हस्बैंड, सब लोग नीचे पार्किंग में आ गए और ये दूसरे साइड रखी हुई थी, तो फिर वो थोड़ा उधर अंधेरा था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने इधर ला के रखा, तो दिशा गलत रखा था, फिर मैंने बोला तो इस दिशा में किए। और बाहर हवा इतनी चल रही थी कि दीपक बुझ रहा था, तो मैं अपनी बेटी से बोली तो उसने हाथ लगा के रखा, तो फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो बंद हो जाएगा। फिर मैंने स्कूटी पे फूल डाला और स्वास्तिक का निशान बनाया। फिर कुछ इसी तरह, मुझे ज़्यादा पूजा पाठ करने को नहीं आता है क्योंकि मैं नहीं करती हूँ पूजा पाठ, तो इस तरह से मैंने कुछ स्वास्तिक का निशान बनाया और बस इतना ही, और कुछ नहीं हमने किया, उसका आरती किया। और हाँ, मैं हमारे घर में ऑलमोस्ट सभी लोग, कोई भी मीठा खाना पसंद नहीं करता है, तो इसलिए मैं मिठाई नहीं मंगाई थी, चॉकलेट लाए थे हम लोग, तो चॉकलेट ही मैंने प्रसाद के रूप में सबको चॉकलेट दिया। और फिर मैं यहाँ, हमारे गुरु महाराज हैं, उनका हम लोग लिखते हैं, तो वो भी मैं ज़रूर लिखती हूँ। कोई भी गाड़ी आए मेरे घर पर, मैं ज़रूर उसको लिखती हूँ। तो और फिर इसके बाद हमने अपने गुरु महाराज का सिमरन किया, और सिमरन करके ये लिखने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि बहुत लॉन्ग है, तो मैं थोड़ा टाइम लग गया मुझे इसको लिखने में। और मेरा बेटा है तो इधर उधर करता ही रह रहा था, उसको अलग ही एक्साइटमेंट हो रही थी। उसको कहीं जाओ तो बोलता है मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटी से जाना है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक स्कूटी लिया है, ये चलाने में बहुत ही मस्त चल रही है, मुझे तो बहुत ही पसंद आई चलाने में बहुत। मैं इसको फर्स्ट टाइम चलाया तो उसमें कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, तो मैं बोली ये तो धोखा हो जाएगा कि स्कूटी स्टार्ट है कि नहीं। हम स्कूटी स्टार्ट भी कर दे रहे हैं तो उसमें कोई भी आवाज़ नहीं, एकदम साइलेंट। कोई हम पेट्रोल वाली स्कूटी मेरी है वो चलाती हूँ तो उसमें ज़रूर आवाज़ आती है, इसमें कोई भी आवाज़ नहीं होती है। और मैं ये आरती कर रही थी तो मेरा बेटा स्कूटी पे ही बैठ रहा था, मैं बोली तेरी आरती हो रही कि स्कूटी की हो रही, तो वो हटता ही नहीं था। फिर मेरे बेटे ने सिमरन कराया, फिर हम सभी ने सिमरन किया, और फिर यहाँ पे मैं प्रसाद के रूप में चॉकलेट दे रही थी सबको। मम्मी तो उसी दिन चला लेती है, चला क्या यही
देखा सरप्राइज, हमने अपने गाड़ी का पूजा कर लिया और ये लोग अभी उसका सिस्टम देख। ले यहाँ पे मेरी बेटी ट्रायल कर रही है, स्कूटी चला ट्रायल कर रही है, चला रही थी मुझे चला चुकी थी, टालियाँ होनी चाहिए ना। ये हमारे लिए गाड़ी सरप्राइज थी, हमको पता नहीं था कि ये आने वाली है। ये हमारे लिए गाड़ी सरप्राइज थी और हमने यही हमारा सदस्य है घर का और इसका मैंने पूजा कर लिया। अभी हम लोग पार्किंग में बाहर बैठे हुए हैं। ये मेरी बिल्डिंग का पार्किंग है, आप देख सकते हो। तो हम लोग पूजा वूजा कर ली, अभी चलते हैं खाना खाएंगे और मैं बैक कमरे से आपको दिखाती हूँ। ये है सारी बिल्डिंग। आज संडे तो सब गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं पार्किंग में। हमारा पूजा हो गया, अभी हम चलते हैं खाना खाएंगे, फिर देखते हैं क्या क्या करते हैं। फिर यहाँ पे इसके पापा ने केक मंगाया और इन लोगों को केक बहुत पसंद है, मुझे तो नहीं पसंद है, मैं तो नहीं केक खाती हूँ। फिर इन तीनों बच्चों ने मेरे मस्त केक खा के एंजॉय किया, इन लोग को अलग ही खुशी थी स्कूटी आने की, तो केक खाया और एंजॉय किया। हेलो एवरीवन, मैं दोपहर को खाना खा के हम लोग बर्तन वर्तन धो के मैं सो गई थी, तो शाम का टाइम है और मैंने ऑलमोस्ट सारा काम कर लिया, अभी खाना बना रही हूँ। तो मुझे याद आया तो मैंने अपना ब्लॉग चालू किया था, वो तो मैंने फिर शूट ही नहीं किया। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ, मैं दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ। अभी खाने में आज बना रही हूँ शाही पनीर, शाही पनीर की सब्ज़ी और रोटी। ये मेरा शाही पनीर, अभी इसमें पानी नहीं यूज करते हैं शाही पनीर में, ये दूध रखा है मैंने, अभी इसमें दूध ऐड करूँगी। फिर मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बनाऊँगी, गर्मा गर्म रोटियाँ बनाऊँगी या फिर हम लोग खाना खा लेंगे। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। और हाँ, मेरा स्कूटी आया तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। इलेक्ट्रिक स्कूटी है, पेट्रोल वाली नहीं है, इलेक्ट्रिक स्कूटी हमने लिया है बैटरी वाली, क्योंकि बारिश के टाइम में पेट्रोल वाली स्कूटी मेरी पहले थी वो स्टार्ट नहीं होती थी, उसको बहुत किक मारना पड़ता था, बहुत दिक्कत होती थी, तो इसलिए हमने नई स्कूटी लिया। तो मैं अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। फिर यहाँ पे मैं एक तरफ सब्जी भी बना रही थी और एक तरफ गर्मा गर्म रोटियाँ बना रही थी, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं, 7:30 या 8 बजे तक तो हम लोग खाना खा ही लेते हैं, तो थोड़ा लेट हो रहा था, तो मैं फटाफट रोटियाँ बना रही थी। फिर इसके बाद हम सभी लोगों ने खाना खाया और मस्त खाना पीना खा के बर्तन वर्तन धो के सब लोगों ने एंजॉय किया। तो गाइज, मैं कल अपना वीडियो एंड नहीं कर पाई थी, तो देखा तो अभी एंड नहीं किया था, तो मैं सोची अपनी वीडियो का एंड कर दूँ क्योंकि बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो मेरी ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो और मेरी स्कूटी आई अगर आपको खुश हुई हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।